तो गाइज़ अगर अपनी तैयारी अन एकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग का यह है कोड GJ80, मतलब कि अगर आप अन एकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को यूज़ करिएगा तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो GJ80 डालिएगा, वहाँ पर भी आप फ्री हमारा क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो GJ80 ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अन एकेडमी अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिलेंगे, उसके बाद मान लीजिए आपका जो डेली डाउट हुआ वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज, उसके बाद डेली आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में भी मिल जाए, मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग के गरुण बैच स्टार्ट हो चुके हैं XY ग्रुप के लिए, तो ये लोग इंडिया के टॉप एडुकेटर सर लोग हैं, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक हम लोग का ये इंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग का पैंथर बैच स्टार्ट हो चुके हैं NDA बैच, ठीक है। NDA का वैकेंसी भी आ चुकी है उनके लिए, तो 90 दिन का पूरा फुल कोर्स है और ये हम लोग का 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके फटाफट इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है, मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना, मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है इस पर क्लिक करना, क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJ80 डेफिनेटली 10% ऑफ, ठीक है। अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा, 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है, आप सभी को हाउ टू ज्वाइन लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज आईडी आपसे पूछेगा, क्यूज आईडी डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन कर दिखाए उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन एकेडमी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। कल के वीडियो में देखे थे, कल हमने देखा था बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए थे, ट्रिक से भी सॉल्व किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस को, दो तीन तरह से सॉल्व करके बताया था कि किस तरह से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। तो आज भी देखेंगे वैसे ही तरह के कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे, और प्रॉफिट लॉस का जो होता है ना बेसिक, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन जो होता है उन सभी का सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे अपने हाई लेवल के क्वेश्चंस की तरफ, धीरे धीरे बढ़ेंगे छोटे से बड़े क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चंस को भी छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो फटाफट से अपने दोस्तों लोगों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना जो पहला प्रश्न रहता है, चैप्टर चल रहा था अपना प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ठीक है। तो जिन जिनको नहीं पता है वो लोग जल्दी से जुड़िए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद चलिए आज देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस का। पहला क्वेश्चन अपना आता है इस टाइप का, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि राम ने कुछ खरीदा है, ठीक है। राम ने क्या खरीदा, राम ने एक खिलौना 450 रुपये में खरीदा, राम ने एक खिलौना खरीदा 450 रुपये में, राम ने एक खिलौना 450 रुपए में खरीदा, ठीक है। राम ने एक खिलौना 450 रुपए में खरीदा, 450 रुपए में खरीदा, तो यहाँ पे क्या होगा, 450 खरीदा गया मूल्य किसको कहते हैं, क्रय मूल्य को कहते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 450 रुपया, ठीक है। और 500 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताए, और 500 रुपए में बेच दिया, ठीक है, और 500 रुपए में बेच दिया, 500 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताएं, तो लाभ परसेंट बताना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताएं, अब आपको पता है कि 450 रुपये में खरीदा है और 500 रुपये में बेच दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। कम दाम में खरीदा, ज़्यादा दाम में बेचा, तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम दे देते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन में दे दिया है, ए में दे दिया है 9.09%, ठीक है। बी में दे दिया कितना, 11.11%, सी में दे दिया 12.5, 12.5, और डी में दे दिया 14.8%।
ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सब बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को भी छोड़ना नहीं है, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस हल्के हल्के भी, तो हल्के क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ना है। कई बार होते हैं कि हल्के हल्के क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देते हैं और पता चलता है कि वो एग्जाम में आ गया, तो फिर वैसे क्वेश्चन हमसे मिस हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि राम ने एक खिलौना 450 रुपये में खरीदा और 500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है सामान का, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 450 रुपये। ठीक है, और बेचा कितना में, 500 रुपये में, तो बेचा तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपया 450 में खरीदा, 500 में बेच दिया, ज़्यादा दाम में बेचा है तो क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो कितना रुपया हमारे जेब में बचेगा वो हमें पता चल जाएगा, तो ये 50 रुपया बचा हमारे जेब में। ठीक है, तो 50 रुपया लाभ हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है, या लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट के लिए हमने क्या बताया था, लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या बताए थे, कितना लाभ हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है, और लाभ होता है हमको किस पर, लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर। अगर हम खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको कितना में बेचे हैं उस सामान को, 500 में बेचे हैं, लेकिन खरीदे कितना में वो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। कम से कम हमें खरीदा हुआ मूल्य मालूम होना चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं कि इसको इतना में बेचे हैं तो हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ लाभ किस चीज़ पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा हमको मिल गया पैसा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम पैसा मिला है तो हानि होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर क्रय मूल्य मालूम होता है वहीं से हम लाभ हानि मतलब निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत किस चीज़ पे होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा। तो 50 रुपये हमको लाभ हुआ किस पर हुआ, तो क्रय मूल्य पर ना, तो 450 नीचे में लिखेंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया हमने। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 5 से 5 नब्बे 45 कट गया। ठीक है, तो 100 बट्टा 9 आया, 100 बट्टा 9 आया, 9 से भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा, 9 से भाग देंगे 100 में तो देखिए ये कटेंगे, 5 से 5 नब्बे 45 कट गया था, तो ये कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 33.33% आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपना ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर में है ही नहीं। ठीक है, और देखिए नहीं नहीं ये देखिए यहाँ से अगर ये कट रहा है कितना से, 33.33 से 3 से लगेगा, तो 3 × 3 = 9। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये कितना रहेगा, 11.11%। तो 5 × 9 = 45 कट गया, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 100 और नीचे में हो जाएगा 9। ठीक है, काटेंगे 3 से 3 × 9 और ऊपर वाला काटेंगे तो कितना आएगा, 33.33 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 3 से कट रहा है कितना से, 11.11 से, तो कितना आ गया अपना मान, लाभ प्रतिशत बराबर आ गया 11.11%। ऑप्शन नंबर बी अपना है एकदम सही सा आंसर। ये था अपना बेसिक लेवल क्वेश्चन, बहुत ही हल्का सा। इसके बाद इससे थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखिए, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस टाइप का, ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि सोहन ने खरीदा कोई सामान, सोहन ने कितना में खरीदा, कितना में खरीदा, सोहन ने एक मोबाइल खरीदा 800 रुपये में, खरीदा नहीं, सोहन एक मोबाइल बेचता है 800 रुपये में। ठीक है, सोहन ने एक मोबाइल, ठीक है, एक मोबाइल कितने में बेचा, एक मोबाइल 800 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 800 रुपये में बेचा, ठीक है, तो उसको क्या हुआ, तो उसको 20% की हानि होती है, तो उसे 20% की हानि होती है, तो उसे 20% की हानि होती है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, उसको बेचा 800 रुपये में तो उसको 20% का लॉस हो गया। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर वाट क्या होगा, क्रय मूल्य ऑप्शन इसमें दे दिया, कितना कितना ऑप्शन दिए हुए हैं, 750, 900, 1000, 1050, 750, 900, 1050 और एक कितना दे दिया, एक दे दिया है 1000। ठीक है, तो इसी में से बताने हैं आपको कि कौन से होंगे ऑप्शन। सोहन ने एक मोबाइल खरीदा था 800 रुपए में और उसको जो है 20% का लॉस लग गया। ठीक है, तो बताइए कि वो खरीदा होगा कितना में। ठीक है, तो देखिए एक होगा क्रय मूल्य, ठीक है, एक होंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हमको मालूम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, 20% का लॉस है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 और इसको कैंसिल करने पर 1/5 आता है कि नहीं। तो नीचे वाला हमने क्या बताया था कि हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होगा,
हमेशा क्रय मूल्य होगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो एक है ये है, अगर या तो हानि हो रहा है तो ये हानि होगा, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ होगा। मतलब अगर 5 रुपया में खरीदे हैं हम कोई सामान तो उसमें कितना का लॉस होता है, 1 रुपया का लॉस होता है। अगर 5 रुपया में खरीदे हैं हम कोई सामान, क्रय मूल्य है नीचे वाला, तो 5 रुपया में यदि हम खरीदे हैं तो उसमें क्या होगा, 1 रुपया का लॉस होगा। तो 1 रुपया का लॉस करके उसको बेचेंगे कितना में, 4 रुपया में। ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 20% का यहाँ देखिए लॉस है, 20% का लॉस है, इसका मतलब 20/100% का मतलब क्या, 100%। ये चीज़ समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है, परसेंट का मतलब 100%। तो देखिए यहाँ से 1/5 आया तो नीचे वाला तो हमेशा क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला लाभ होने के कंडीशन में लाभ होगा, हानि होने के कंडीशन में हानि होगा। तो यहाँ क्या हो रहा था, 20% का हानि हो रहा था। तो 20% का हानि मतलब 1/5 में 1 का हानि हो रहा है। अगर 5 रुपये में कोई सामान खरीदे हैं तो उसमें 1 रुपया लॉस करके हम बेचेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर समझिए, अगर 5 रुपये में खरीदे हैं तो 1 रुपया लॉस करके कितना में बेचेंगे हम, 4 रुपये में, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम उसको 800 रुपये में बेचें, इसी से रेशियो निकाले, अगर हम उसको 800 में बेचे हैं तो खरीदे होंगे कितना, तो 4 से इसको भाग देके देखेंगे तो कितना से लगा, 200 से। तो 200 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो 200 को 5 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, ठीक है। तो ऐसे करके एकदम शॉर्ट मेथड में आप यूज कर सकते हैं, अपना ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का दिक्कत है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना कि एक दुकानदार जो है एक चार्जर को 155 रुपया में बेचता है, एक दुकानदार एक चार्जर को 155 रुपया में बेचता है। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है जो कि एक दुकानदार चार्जर को कितना में बेचता है, चार्जर को 155 में बेचता है, चार्जर को कितना में, 155 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर 155 रुपये में बेचता है तो ये विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, 155 रुपये में बेचता है तो ये होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। और तो उसे कितना होता है, तो उसे 24% का लाभ हो जाता है, तो उसे 24% का लाभ होता है। तो बताना है इसमें कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य बराबर व्हाट, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे दिया, कौन कौन सा ऑप्शन दे दिया है, 120 125 130 140 120 125 130 और 140, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें जो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, किस वस्तु का, चार्जर का, चार्जर बेचा हो कितना में, 155 रुपये में, तो उसको क्या हुआ, 24% का लाभ हो गया, तो उसका क्रय मूल्य बताना है कि वो दुकानदार कितने में खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, रेशियो मेथड से ही निकालेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि उसको लाभ कितना हुआ है, तो उसको लाभ हुआ है 24% का, 24% का लाभ हुआ है, मतलब 24/100, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 × 6 = 24, 25 × 6 = 100 आया, ठीक है। मतलब ये कितना आ गया, 6/25, 25 नीचे वाला क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है, खरीदा गया मूल्य, और यहाँ क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना, तो ऊपर वाला क्या होगा, लाभ होगा। अगर वो कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदता है तो 6 रुपये का लाभ होता है उसको, तो बेचेगा कितना में, 25 × 6 कितना होगा, 31 रुपये में। मान लीजिए अगर वो वस्तु खरीदा वो 25 में, तो बेचेगा कितना, 6 लाभ करके, मतलब ज़्यादा में बेचेगा, 25 × 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो यहाँ से हमको पता चला कि अगर 25 रुपये में खरीदा होगा वो वस्तु ना, तो बेचा होगा कितना में, 31 रुपये में। अगर बेचा है वो कितना में, 155 में, तो विक्रय मूल्य के नीचे में कितना लिखेंगे, 155, और इसको भाग देंगे इसमें तो कितना से कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 5, 5 से लगा तो 5 से इसमें कर देंगे गुना, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, हाथ में 2 × 5 = 10, 2 = 12, 125 रुपये आया, ठीक है। तो 125 ऑप्शन नंबर अपना बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों देखते हैं कितने इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर देते हैं सॉल्व, आप लोग भी कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। समझने में अगर कहीं किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए चार्जर को बेच रहा था कितना में, 155 रुपये में, जब बेच रहा था तो क्या होगा, वो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। चार्जर को बेच रहा था तो वो विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हमको मालूम यहाँ, इसीलिए हम विक्रय मूल्य में दिए, ठीक है। और उसको कितना परसेंट का लाभ हो गया, 24% का लाभ हो गया, तो 24% का हम रेशियो निकालेंगे तो 24/100 होगा, ठीक है, परसेंट का मतलब 100% होता है। अब काटेंगे तो 4 से 4 = 24 काटा, 4 से 25 मरतबे कटेगा 100, ठीक है।
तो 6/25 आया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था ना, तो ऊपर वाला लाभ होगा, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो अगर 25 रुपये में खरीदा है तो 6 रुपये का लाभ हुआ उसको, तो 25 रुपये में खरीदा तो 6 रुपये लाभ करके वो कितना में बेचेगा, 31 रुपये में बेचेगा, तो 26, 25 और 31 का रेशियो बना, ठीक है। अगर वो बेचा 155 में तो कितना में खरीदा होगा, तो 155 में इसे भाग देंगे तो 5 से कटा, तो 5 से यहाँ गुना कर दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो गया, बहुत ही प्यारा सा। तो देखते हैं अपना एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप। तो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि राजेश को जो है 20% का हानि होता है यदि वह कोई सामान को 1600 रुपये में बेचता है, 16000 रुपये में बेचता है, ठीक है, 16000 रुपये में बेचता है, ठीक है। राजेश को क्या हुआ, 20% का हानि हुआ यदि वह कोई सामान को 16000 रुपये में बेचा, ठीक है, 16000 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का हानि होता है, लेकिन क्या हाँ लॉस हो रहा है ना यहाँ, लेकिन वो जो चाहता है 15% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो कितना में बेचना होगा, ठीक है, परसेंट लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, यही चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन कौन कौन से दे दिए, ऑप्शन दे दिए इसमें 21000, 15000, 17000, 23000, 21, 15, 17, 23, ठीक है, 21, 15 और 17 और 23000, ठीक है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन कि राजेश को 20% का क्या होता है, लॉस होता है यदि वो कुछ सामान को 16000 में बेचता है। अगर लॉस हुआ इसका मतलब क्या, खरीदा होगा 16000 से ज़्यादा में, ठीक है, लेकिन वो क्या करना चाहता है, 15% लाभ कमाना चाहता है, मतलब जितना में खरीदा होगा उससे भी ज़्यादा में बेचना चाहता है। यहाँ दो दो क्वेश्चन एक बार में पूछ दिया, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 20% का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है मतलब 20/100, 20% का मतलब 20/100, 0 से 0 कटेगा, 2 5 10, मतलब आ गया 1/5। अगर 5 रुपया में खरीदा है तो 1 का क्या करेगा, लॉस करेगा, 1 रुपया का हानि करेगा, 4 में बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले के लिए, पहले कंडीशन के लिए यहाँ 20% और 16000 के लिए लिखा हमने क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ 20% का लॉस हो रहा था, उसके लिए हम निकाले तो रेशियो आया 1/5, मतलब नीचे वाला तो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ये चीज़ जानते हैं, और ऊपर वाला अगर लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है तो हानि होगा, और लाभ हो रहा है तो लाभ होगा, ठीक है। तो अगर 5 रुपया में हम खरीदे हैं तो 1 का लॉस होगा, अगर 5 रुपया में खरीदे हैं तो 1 का लॉस होगा, तो कितना में बिकेगा, 4 रुपया में बिकेगा, इसीलिए वो बेचा कितना में, 16000 रुपया में ना, विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे हम 16000, 4 से ये कटेगा कितना से, 4 3 0, ठीक है, तो 4000 बचा यहाँ पर इसी, तो इसको हम क्या करेंगे, 4000 से गुना कर देंगे, तो 5 6 20 उस पर आ गए 3 0, मतलब ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ये जो है जो सामान बेच रहा है 16000 में, वो उसको खरीदा कितने में होगा, खरीदा होगा 20000 रुपये में, ठीक है, 20000 रुपये में खरीदा होगा, लेकिन ये तो हम क्रय मूल्य निकाल लिए यहाँ से 20000 रुपये, लेकिन अब वो क्या करना चाहता है, उसका भी 15000 रुपया मतलब 15% लाभ कमाना चाहता है, 20000 का 15% लाभ कमाना चाहता है। अगर क्रय मूल्य कितना है, 15% लाभ कमाना चाहता है ना, तो यहाँ फिर से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखिए, 15% का रेशियो निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 15/100, ठीक है, 5 से कटेगा, 5 3 15 और ये कटेंगे 20, कितना आ गया, 3/20, क्या था, लाभ कमाना चाहता था, तो ऊपर वाला क्या होगा, लाभ होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे, एकदम से होंगे। तो क्रय मूल्य कितना, अगर 20 था तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 3 लाभ कमाएगा, 20 में अगर कोई सामान खरीदा है तो 3 रुपया उसको लाभ होगा, मतलब 23 रुपये में बेचेगा, ठीक है, तो 20 और 23 का रेशियो निकला, लेकिन वो खरीदा था कितना में, 20000 में, तो क्रय मूल्य के नीचे में लिखेंगे 20000, अब भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 1000 से कट जाएगा ये, ठीक है, तो 1000 से यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे दाहिने साइड वाला में, तो ये आ जाएगा अपना 23000, ठीक है। तो 23000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है अपना 23000। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। या फिर देखिए आप यहाँ जब क्रय मूल्य आपने निकाल लिया कि 20000 रुपया है, तो अगर वो 15% लाभ कमाना चाहता है तो 20000 रुपया वो तो अपना जो खर्च किया है उस सामान में वो तो अपने जेब में रखवे करेगा, उससे ज़्यादा कमाना चाहता है 15% लाभ, मतलब 20000
का क्या करना चाहता है, 15% लाभ कमाना चाहता है। 15% का मतलब क्या होगा, 15/100, 00 से 00 ये कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 20,000, और फिर यहाँ क्या बच गए, 15 × 2 = 30, और 30 × 00 3,000, तो 20 × 3 कितना हो जाएगा, 23,000। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और उस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका वैलिड है, किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं और आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड क्या है। तो दोस्तों जल्दी से फटाफट से अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइए, उनको भी जोड़िए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक सामान को 651 रुपये में क्या करता है, एक आदमी एक सामान को, ठीक है, एक आदमी एक सामान को 651 रुपये में, 651 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है, 7% का हानि होता है। 651 रुपये में बेचता है तो उसको कितना होता है, तो उसे 7% का हानि हो जाता है, ठीक है, 7% का नुकसान हो गया, ठीक है। तो बताना है आपको 7% का हानि होता है, तो आपको बताने हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब वो कितना में खरीदा था, खरीदा कितना में वो हमको नहीं पता है, हमको मालूम है कि वो बेचा 651 रुपये में और उसको लॉस कितना हो गया, 7% का लॉस हो गया। ऑप्शन अपना दे देते हैं 744, ऑप्शन दे देते हैं 744, 751 ऑप्शन दे देते हैं कौन कौन से, और 793, 793 और 700। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कितने आएंगे आंसर, ठीक है। तो एक आदमी एक सामान को बेचा कितना में, 651 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लीजिए एक बार, ठीक है, रेशियो निकालने के लिए बहुत ही ईजी होगा, या फिर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अपने मन में भी कर सकते हैं। बेचा कितना में, 651 रुपये में, तो उसको कितना परसेंट का हानि हो गया, 7% का, 7% मतलब 7/100। अब देखिए ये कैंसिल होने वाला नहीं है, ये सरल होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर सीधे इसी को मान लेंगे। अगर 100 क्या है, क्रय मूल्य है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला हानि होगा तो हानि, लाभ होगा तो लाभ, यहाँ लेकिन हो रहा है हानि, तो ये क्या हो जाएगा, हानि। मतलब 100 में अगर वो कोई सामान खरीदा है तो क्या होगा, 7 रुपया का हानि हो जाएगा उसमें, और 7 रुपया का हानि करके बेचना है तो कितना में बेचेंगे, 93 रुपया में बेचेंगे, तभी तो हमको 7 रुपया का लॉस होगा उसमें, 7 रुपया का हानि होगा। इस क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाएंगे। तो देखिएगा क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 93 रुपया होगा, तभी हमको क्या होगा, 7 रुपया का नुकसान होगा, 7% का नुकसान होगा, ठीक है। तो हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, हम बेचे थे कितना उस वस्तु को, 651 में, अगर 93 रुपया में बेचे हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपया। अगर हम 651 रुपया में बेचे रहते उस वस्तु को तो क्रय मूल्य क्या होता, तो इसको इससे काटेंगे तो 963 और 7 से कट जाएगा, तो इसको भी क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, तो 700 क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, तो 700 अपना ऑप्शन नंबर कौन सा रहा, डी रहा, ठीक है। समझने में कहीं भी किसी तरह का दिक्कत, देख लीजिए एक बार, और अगर कोई वस्तु को हम बेचे हैं 651 रुपये में तो हमको क्या हुआ है, 7% का हानि हुआ है, 7% का नुकसान हुआ है, और 100 में जितना परसेंट निकालना होगा वो उतना ही होगा। अगर 100 का आपको 50% चाहिए तो क्या होगा, 50 रुपया ही होगा। अगर 100 का 25% चाहिए तो 25 रुपया होगा। 100 का 10% चाहिए तो वो 10 रुपया होगा, ठीक है। तो 100 अगर खरीदे थे उसमें से हमको 7% का नुकसान हुआ, मतलब कितना रुपया नुकसान हुआ, 7 रुपया नुकसान हुआ। तो 100 में अगर खरीदे हैं तो 7 रुपया नुकसान करके हम कितना में बेचेंगे, 93 रुपया में। अब देखिए यहाँ से आप उल्टा सोचिए कि अगर हम 93 रुपया में बेचे हैं तो 7% नुकसान करने पर वो खरीदे होंगे हम कितना में, 100 में खरीदे होंगे। अगर 93 रुपया में बेचे हैं किसी वस्तु को तो वो खरीदे होंगे 100 में। अगर हम बेचे हैं 651 रुपया में तो कितना में खरीदे होंगे। एक एक नियम पर भी आप सोच सकते हैं ऐसे कि 93 रुपया में यदि हमने बेचा उस वस्तु को तो खरीदा था कितना में, 100 रुपया में। अगर 1 रुपया में बेचते तो कितना में खरीदते, 100/93 रुपया में। इसीलिए अगर हम बेचे हैं कितना में, 651 रुपये में, तो क्या हो जाएगा, 100/93 और गुने 651 होगा, 93 से ये कट जाएगा 7 से, तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये। ये भी अपना ट्रिक हो सकता है, इस तरह से भी अपना आंसर आप निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का।
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कीजिए कोशिश, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करने का भी कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए भी, शेयर भी कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अपना एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए अपना एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि एक बिजनेस पर आधारित प्रश्न है। जैसे देखिए आप कोई सामान खरीदते हैं, आपने कोई सामान खरीदा तो क्या वही आपका क्रय मूल्य है, क्या वही आपका क्रय मूल्य है, जितने में खरीदा वही क्रय मूल्य, तो हम कहेंगे नहीं, ठीक है। उसके में जो एक्स्ट्रा खर्च लगा, जैसे मान लीजिए आप शहर गए, शहर से कोई सामान अगर खरीद के लाए हैं तो सिर्फ खरीदने का दाम होगा वही उसका क्रय मूल्य होगा, आप उसी को उसका क्रय मूल्य कहेंगे, तो नहीं, आपको उसको लाने में जो खर्च लगा है वो भी उसके क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, वो सामान में कुछ डिफेक्ट था, उसमें कुछ खराबी थी, और उसको ठीक करवाने के लिए आपने कुछ पैसे खर्च किए उसमें, तो उसका क्रय मूल्य जो होगा वो उसके सामान का दाम और प्लस में जो आपने खर्च किया उसमें सामान बनवाने के लिए, उसको रिपेयर करवाने के लिए, तो वो भी उसका क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी टाइप का अपना एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि एक साइकिल का मूल्य था 1200 रुपए, एक साइकिल का मूल्य है 1200 रुपए, ठीक है। एक साइकिल का मूल्य कितना है, मतलब इसका दाम कितना है, 1200 रुपया है, ठीक है, 1200 रुपया है, ठीक है। और उसकी मरम्मत में 200 रुपये का खर्च है, और उसके मरम्मत में, और उसके मरम्मत में 200 रुपया खर्च है, 200 रुपया का क्या है, खर्च है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, अगर 1200 रुपया का दाम है उसका, 200 रुपया उसमें खर्च होगा, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 1400 रुपये, ठीक है। और तो उसको उसके बाद क्या करेंगे, उसको और उसके बाद खरीदने के बाद क्या करेंगे, उसको 1680 रुपया में बेच देंगे, ठीक है। खरीदने के बाद 1680 रुपया में यदि बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है, बताइए। ऑप्शंस होंगे थोड़ी देर के बाद, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि लाभ परसेंट, लाभ होगा तो लाभ परसेंट, अगर हानि होगा तो हानि परसेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दे देते हैं 16, 15, 10, 20, 16% 15% 10% और 20%, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का ये अपना सेकंड रही है, इसीलिए इतने इजी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे बढ़ेंगे ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस की तरफ, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, विश्वास कीजिए, हल्के लेवल से चल रहे हैं, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगा इन सब चीज़ों का, तो इन सब चीज़ों से क्लियर रहेंगे तभी तो हम वह बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को भी छोड़िए मत, इग्नोर मत कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को भी बनाना जरूरी है आपके लिए हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसे पता है आपको कि 2 मंजिल वाले सीढ़ी पे जाने के लिए आपको पहले तो पहले सीढ़ी पे कदम रखना ही पड़ेगा, इसी तरह से धीरे धीरे चलेंगे, छोटे क्वेश्चन से बढ़ेंगे बड़े क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। साइकिल का मूल्य क्या था, 1200 रुपये था, और उसके मरम्मत में खर्च हुआ है 200 रुपये, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 1680 रुपये में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा कि हानि होगा, सो बताइए। तो पहले तो हमने 1400 रुपये में खरीदा और उसमें 200 रुपये खर्च किया, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएंगे 1600 रुपये, ठीक है। 1400 और 200 कितना हो जाएगा, 1600, 1400 200 नहीं, यहाँ 1200 में खरीदे थे और 200 में खर्च किए थे, तो 1400 रुपये तो क्रय मूल्य हुआ, 1400 में हमने खरीदा और बेचेंगे कितना में, 1680 रुपये में, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा, ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएंगे कितना, 1400 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1680 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये बताइए आप लोग, बहुत ही इजी सा प्रश्न कर रहे हैं आप लोगों से कि यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्रय मूल्य 1400 रुपये है और विक्रय मूल्य 1680 रुपये, ज़्यादा दाम में बेचे हैं तो लाभ होगा। अब देखिए लाभ के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेते हैं, 1680 माइनस 1400 मतलब कि 280 रुपया हमको क्या हुआ,
फायदा हुआ इस डील को करने में, ठीक है। 1400-1200 में हमने खरीदा, 200 रुपया उसमें मरम्मत किया तो 1400 रुपये, और फिर 1680 में बेच दिया तो 280 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है। तो लाभ परसेंट, लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट ही निकालेंगे। लाभ परसेंट बराबर हमने क्या बताया था, कितना लाभ हुआ और लाभ होता किस पर है, और उसको करेंगे गुना 100। तो कितना लाभ हुआ, 280 लाभ हुआ, और लाभ किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 1400, तो 1400 और गुना क्या हो जाएगा, 100। तो 00 से 00 कैंसिल, 14 2 28 0, मतलब लाभ परसेंट बराबर क्या आ गया, 20%। तो अपना ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन 16 15 10 20, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो उस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिए। देखिए देखने में कहीं भी लग रहे हैं कि बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत ही भारी क्वेश्चन है, या फिर कोई भारी मेथड यूज करके बनाया है, एकदम प्यारा सा आप सीधे से भी ऐसे लिख सकते हैं, 280 रुपया लाभ हुआ। आप सीधे से ऐसे सोच सकते हैं, अगर हमने 1400 रुपया खर्च किया, 1680 में बेचा, तो 280 रुपया हमारे जेब में बच गया। तो बचा कितना, 280, हमने खरीदा था कितना में, 1400 में, तो गुना 100 कर देंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 14 2 28 0, 20%। ऐसे ही चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसा है, एक आदमी को क्या होता है, लाभ होता है कि हानि होता है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट क्या है, तो देखिएगा यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये क्या अलग है। बाकी सभी क्वेश्चंस में हम लाभ और हानि निकालते हैं किस चीज़ पर, क्रय मूल्य पर, लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन में दे दिया है विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ है, ठीक है। तो उसका वास्तविक लाभ जो हम होगा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, वही अपना आंसर होगा। इसका ऑप्शन कौन कौन सा है, ऑप्शन है 33.1/3%, ठीक है, और क्या है ऑप्शन 16.2/3, ठीक है, और सी में दे दिया है ऑप्शन 25% और डी में है 20%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से होंगे इसके सही ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस को लिखने, सॉल्व करने के लिए पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, अपने सहूलियत के लिए। और ध्यान दीजिएगा कि विक्रय मूल्य का 25% का लाभ होता है, 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100, ठीक है। अगर क्या है, ये नीचे वाला अगर है क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, और यहाँ क्या हो रहा है, हमको विक्रय मूल्य पर ना 25% का लाभ हो रहा है, तो नीचे वाला क्या होगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर अगर सीधे दिया है तो अगर 25% का लाभ होता है, तो हमको पता है कि लाभ और हानि क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है ये, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि विक्रय मूल्य पर होता है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये क्या है, लाभ होता है ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लाभ। मतलब अगर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ था, मतलब 100 अगर विक्रय मूल्य है और उसको क्या हुआ था, 25 रुपया का लाभ हुआ था, अगर 100 में बेचा है तो 25 रुपया का लाभ हुआ है, मतलब अगर 25 रुपया का लाभ हुआ है तो खरीदा कितना में होगा, 75 रुपया में खरीदा होगा, तभी तो उसको 25 रुपया का लाभ होगा, 75 में 25 रुपया का लाभ होगा तभी तो वो 100 रुपया में बिकेगा, ठीक है। तो हमसे अब पूछ रहा है कि उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या है, अब बताइए यहाँ से अगर उसको लाभ कितना हुआ, तो 25 लाभ परसेंट निकालना है ना, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ 25 और बट्टा क्रय मूल्य कितना है 75 और गुना 100 करना होगा, तो 25 से कट गया, 25 दिया 75 आ गया कितना 100/3, ठीक है, 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 33.1/3%। अपना सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है एकदम सही ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने में कहीं भी दोस्तों किसी तरह का दिक्कत है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। अब देखेंगे इसके बाद कल के डेट में, कल के वीडियो में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आज की हमारी क्लास
आपको कैसे लगी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जुड़िएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, गुड नाइट।